हेलो दोस्तों, आरसीए न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज अबकारी सिपाही भर्ती 2016 को लेकर है। अबकारी सिपाही भर्ती 2016 का परिणाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा न घोषित किए जाने के कारण अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी है। अभ्यर्थियों का कहना है 3 साल हो गए हैं, बस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अबकारी सिपाही भर्ती विजिलेंस के नाम पर फंसाई जा रही है, जबकि विजिलेंस की जांच 90 दिन में पूरी होने कही गई थी। आज 3 साल होने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अबकारी सिपाही भर्ती का रिजल्ट घोषित नहीं किया, परिणाम घोषित नहीं किया। अभ्यर्थियों का कहना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है, अभ्यर्थियों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 8 मई 2019 को सुबह 10 बजे विशाल धरना प्रदर्शन होने वाला है। जब तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अबकारी सिपाही भर्ती 2016 का परिणाम घोषित नहीं कर दिया जाएगा, तब तक अभ्यर्थी वहां से हटेंगे नहीं। अब की बार आश्वासन नहीं, अब की बार रिजल्ट चाहिए, अभ्यर्थियों का कहना है। जो अभ्यर्थी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं, जो इसके मुखिया हैं, जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए कि आपकी बात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पे अभ्यर्थी क्या करने जा रहे हैं, किस प्रकार का धरना प्रदर्शन होगा, आप अपनी आंखों से देखिए। मैं शैलेश गुप्ता, बागी बलिया। उत्तर प्रदेश अबकारी सिपाही भर्ती 2016 लगभग 3 वर्ष होने को आ रहा है, अभी तक परीक्षा परिणाम नहीं घोषित होने के कारण सभी छात्र और अभ्यर्थी इस रवैये से सरकार से और आयोग से बेहद नाराज हैं। तो हम सभी छात्रों ने यह निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश अबकारी सिपाही भर्ती के परीक्षा परिणाम घोषित करवाने के लिए हम सभी अभ्यर्थियों ने 8 मई 2019 को आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। मैं अपने अंत सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि 8 मई 2019 को लखनऊ पिकअप भवन गोमती नगर में भारी संख्या में आकर आयोग को जगाने का काम करें, सरकार को जगाने का काम करें। मैं अपने सभी भाइयों को क्रांतिकारी सलाम। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आरसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।